वीर भोग के वसुंधरा महारानी। क्या सूचना लाए हो तेजपाल सिंह? गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह आक्रमण के लिए मेवाड़ की ओर बढ़ रहा है। क्या संधि राज्य के राजपूत हमारे साथ हैं? राजपूतों ने सहायता के लिए राजकुमारों को उनके ननिहाल जाने की शर्त रखी है। बिल्कुल नहीं, जब तक हम जिंदा हैं, राजकुमार बूंदी राज्य नहीं जाएंगे। चौक कह दो उन राजपूतों को। शांत बनना। मेवाड़ घोर संकट में हमारा है। वीर गति को प्राप्त हुए सिसोदिया वंश के वंशज शूर वीर राजपूत महाराणा सांगा की विधवा और मेवाड़ की रानी मैं कर्णावती आपको मेरी सहायता करने के लिए पत्र लिख रही हूँ। हम राजपूत मानते हैं कि तलवार की शक्ति से ज्यादा बड़ी होती है वचन की शक्ति, और इसलिए साथ में ये रक्षा सूत्र भेजकर अपने राज्य की रक्षा का वचन मांगती हूँ। वो रक्षा सूत्र जिसकी कथाएं हम पुराणों में सुनते आए हैं, ऐसी अनगिनत कथाएं हैं जो इस पत्र में लिख पाना असंभव है, किंतु मैं इस सूत्र और वचन की शक्ति की एक महान कथा आपको सुनाती हूँ। चारों दिशाओं को जीतकर पांडवों द्वारा इस राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाकर तुम इन कौरवों और अन्य राजाओं का अपमान कर सकते हो कृष्ण, किंतु मेरा नहीं। अपने जीवन में जो असंख्य अपराध तुमने किए हैं, उनका दंड अवश्य तुम्हें इसी जन्म में मिलेगा दुष्ट कृष्ण। किंतु तुम्हें अपने अपराधों का लेखा जोखा तो याद है ना शिशुपाल? तुम्हारी माता को मैंने तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया है। तुम कौन होते हो मुझे क्षमा करने वाले या दंड देने वाले? नारायण का अवतार वासुदेव श्री कृष्ण। इन कथाओं से तुम इन पांडवों को मूर्ख बनाकर इन्हें अपना दास और द्रौपदी को अपनी दासी बना सकते हो, मुझे नहीं। अपने ही मामा का वध करने वाले पापी कृष्ण। बस छेदीराज, अपनी वाणी पर संयम रखो। अज्ञानता ने तुम्हें घेर लिया है, कहीं ये तुम्हारा नाश ना कर दे। नाश और मेरा? अज्ञानी मैं नहीं हूं कृष्ण, परंतु लगता है द्रौपदी के मोहपाश ने तुम्हें अवश्य अंधा बना दिया है। अंत मेरा नहीं होगा, तेरा होगा। तुच्छ, चोर, ग्वाले। अरे पापों का अंत हुआ शिशुपाल। ये क्या कर रही हो पांचाली? आपकी उंगली से रक्त बह रहा है गोविंद, उसे रोकने के लिए ये चीर का टुकड़ा बांध रही हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? बहते हुए रक्त को तो रोका जा सकता है, किंतु कर्म से बंधे प्रारब्ध को नहीं। शिशुपाल ने पिछले जन्म में जो पाप किए, उसी का फल था कि उसे सारे बंधनों से मुक्त कर दिया। किंतु तुमने मुझे कौन से बंधन में बांध लिया द्रौपदी? बंधन नहीं माधव, रक्षण। तुम्हें मेरे सामर्थ्य पे संदेह है पांचाली? संदेह नहीं,
अभी तो पूर्ण विश्वास है। तो फिर तुम किसकी रक्षा कर रही हो? स्वयं की। स्वयं की? राजा पांडु के 5 पितापी पुत्र पांडवों के होने के पश्चात तुम्हें किससे भय और तुम्हें किससे रक्षा की आवश्यकता है? नियति से। मैं कुछ समझा नहीं। जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब बल, बुद्धि, सिद्धि, प्रसिद्धि सब नियति द्वारा हर लिए जाते हैं। तब कोई धर्म, देवता या ये संसार सहायता नहीं कर पाता है। तब केवल ईश्वर ही होते हैं जो जीव की रक्षा करते हैं। तो इस चीर के टुकड़े को मेरे हाथ पर बांधने से मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? अस्त्र, शस्त्र, विद्या, वरदान, पुण्य कर्म, इन सब से बड़ी शक्ति कौन सी शक्ति होती है माता? वचन की शक्ति। एक प्रकार से इस चीर के टुकड़े के रूप में मैं अपनी सारी शक्ति समेट कर आपको ये सूत्र बांध रही हूँ ताकि जीवन के किसी भी कठिन समय में ये शक्ति मेरी रक्षा कर सके। तुमने मुझे ही क्यों चुना? शक्ति का सही स्थान उसी के पास होता है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लाभ के लिए इसका प्रयोग करे, जो स्वयं के हित के विषय में ना सोचकर किसी अन्य के कल्याण के लिए प्रयास करे। और संपूर्ण आर्यवर्त में इस शक्ति को ग्रहण करने के लिए आपसे अधिक योग्य पात्र कोई और है ही नहीं माधव। सखी द्रौपदी। अपने सामर्थ्य और संपूर्ण बल को अपने सगे संबंधियों और अपने पतियों को ना चुनकर तुमने ये चीर का टुकड़ा बांधकर मुझे जिस विश्वास के सूत्र में बांधा है पांचाली, मैं वासुदेव कृष्ण तुम्हें वचन देता हूँ, जब नियति अपना काला अध्याय लिखेगी, मैं तुम्हारे बांधे गए इस रक्षा सूत्र की शक्ति से तुम्हारी रक्षा करूँगा। कौरवों ने जब द्रौपदी के चीर हरण का प्रयास किया तब भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से द्रौपदी का चीर हरण होने से बचाया और पापी दुशासन चाह कर भी उस चीर को द्रौपदी के शरीर से अलग नहीं कर पाया। इस तरह भगवान कृष्ण ने अपने वचन का मान रखा। आज मेवाड़ संकट में है और मैं चाहती हूँ कि मुगल बादशाह हुमायूं मेरा पत्र पढ़कर शीघ्र ही मेवाड़ की सहायता करने की कृपा करें। जीवन का आनंद बांटने में है। दुख हो या सुख, देह के साथ सब नष्ट हो जाता है, किंतु जीवित रहता है वो जो हम इस संसार को देकर जाते हैं। इस पावन पर्व पर इस कथा को सभी के साथ बांटिए और आनंद लीजिए। कल्याण।